अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट पार्ट टू फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए, हमारा पहला एमसीक्यूज़ क्या है? कूलम्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर। कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है किन के लिए? बिग चार्जेस के लिए, स्मॉल चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, एनी चार्जेस के लिए। तो हमने पढ़ा था कि कूलम लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? तो पॉइंट चार्जेस को समझने के लिए देखिएगा कि आपके पास अगर ये दो चार्जेस हैं और इन दो चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस जो है वो इनकी मैग्नीट्यूड के लिहाज से ज़्यादा होगा तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ द पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइए एमसीक्यू नंबर 2 पे चलते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ बॉडी, फोर्स जो दो बॉडीज एग्जर्ट करती हैं टू वन एंड अदर एक दूसरे पे, ओबे कूलम्स लॉ। नंबर 1, चार्जेस आर नॉट स्मॉल, चार्जेस आर इन वैक्यूम, चार्जेस आर नॉट टू लार्ज, द लीनियर डिमेंशन ऑफ चार्ज इज मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस बिटवीन डैम। तो अभी हमने पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और साथ में देखा था कूलम लॉ जस्ट पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, तो लिहाजा इसकी ट्रू ऑप्शन है डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टेंट के इन द कूलम लॉ डिपेंड्स अपॉन, आप जानते हैं कूलम लॉ क्या होता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्यू वन चार्जेस के, प्रोडक्ट्स के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करके इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के आता है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? तो इस केस में हमारे पास पहली ऑप्शन है नेचर ऑफ मीडियम, नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ चार्ज एंड नंबर 4 इज़ ए एंड बी। तो इसकी ट्रू ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि नेचर पे भी डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है जिन पे आप इसको मेजर करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है? क्यू। तो क्यू इज इक्वल होता है किसके, आई टी के। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, विच इज इक्वल टू एम्पेयर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज, कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्या इफेक्ट होता है? इट इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट डबल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। अगर आप इसके मिड में यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर रख देते हैं, तो उसके नतीजे में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये क्या होंगी, कम होंगी या ज़्यादा होंगी? तो ऑब्वियसली ये चूँकि इंसुलेटर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो इसका ट्रू आंसर है इट डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एसए यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का एसए यूनिट क्या होगा? तो चलें आइए इसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या था, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और के हमारे पास किसके बराबर था, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर आप इस के की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो यहाँ पे जब एप्सिलॉन नॉट है ये आपके पास इसका यूनिट क्या होगा? तो चलिए ज़रा देखते हैं, जब आप के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो के की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से हमारे पास जो है वैल्यू बनती है वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू
ओवर आर स्क्वेयर। अब आप चूँकि आपने अब साइलेंट नोड की वैल्यू निकालनी है इसका यूनिट क्या होगा, तो लिहाजा आप साइलेंट नोड को यहाँ से इस साइड पर ले जाएं और फोर्स को यहाँ से इस साइड पर ले आए, तो यह आएगा क्यू वन क्यू टू ओवर एफ आर स्क्वेयर। आप जानते हैं कि यहाँ पे 4 पाई जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो क्यू वन क्यू टू जो है क्यू वन क्यू टू इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मल्टीप्लाई कूलम कूलम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और रेडियस स्क्वेयर का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वेयर। तो इसका जो हमारे पास यूनिट आएगा कूलम स्क्वेयर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द लाइन्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कि जो लाइन्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे एग्जर्ट करती है। नंबर वन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर थ्री टेंजेंट लाइन्स, नंबर फोर कर्ल्स लाइन्स। तो देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट करती है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है। ये बुक की स्टेटमेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस साइड तरफ होता है, रेडियली आउटवर्ड ज़ीरो सर्कुलर एंड रेडियली इनवर्ड। तो याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात होगी तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरफ होंगी, आउटवर्ड, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जिसे हमने कहा था वो हमारे पास यहाँ पे क्या था, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप एक चार्ज क्यू के पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, जबकि इसके बरक्स अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये रेडियली इनवर्ड होंगी, ठीक है, फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछा गया था, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक, के जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन वन। ये भी बुक की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, बहुत दफ़ा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका ट्रू आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फोटोकॉपी एंड इंकजेट प्रिंटर आर द एप्लीकेशंस ऑफ, कि फोटोकॉपी जो है या इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं ये किसकी एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इसमें जो प्रिंसिपल आपका यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, स्टैटिक चार्जेस, चार्जेस जो हैं स्टैटिक हैं, चार्जेस आर ट्रेस में होते हैं और वो जो है हमारे पास यूज़फुल होते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, सेलेनियम इज़ अ गुड मटीरियल, यस सेलेनियम इज़ अ कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल है, कब होगा, यानी कि हमारे पास सेलेनियम एक मटेरियल है और वो कब कंडक्टर बिहेव करता है। याद रखिएगा कि सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर बिहेव करता है जब उस पर लाइट जो है फॉल करती है, और ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा जब लाइट इस पर क्या होगी, फॉल नहीं करेगी, यानी कि लाइट जो है अगर फॉल करती है तो ये एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, तो अगर लाइट फॉल नहीं करती जैसे कि डार्कनेस होगी तो ये डार्कनेस में इंसुलेटर होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा।
तो इसका ट्रू आंसर क्या होगा, लाइट, कि जब इस पर लाइट पड़ेगी जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेलेनियम ईसा, सेलेनियम क्या है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या फोटोकंडक्टर है। तो याद रखिएगा कि सेलेनियम इंसुलेटर नहीं है, ना ही ये कंडक्टर है, बल्कि ये क्या है, फोटोकंडक्टर है। अभी हमने पढ़ा कि जब इस पर लाइट फॉल करती है तो यह एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, और अगर इस पर लाइट फॉल नहीं करती तो यह एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, ये सेमी कंडक्टर भी बिहेव नहीं करता। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम से कुछ देखते हैं। इन एन इंजेक्ट प्रिंटर द चार्जिंग ड्रॉप्स आर डाइवर्टेड बाय द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जो चार्जिंग होगी उसको आप डाइवर्ट करते हैं उस ड्रॉप को डिफ्लेक्शन प्लेट से इंजेक्ट प्रिंटर में, कैसे, टुवर्ड्स द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, टुवर्ड्स द गटर, टुवर्ड्स द ब्लैंक पेपर ऑन विच द प्रिंटर इज टू बी टेकन, नंबर फोर इन इंजेक्ट प्रिंटरिंग कैन नॉट बी चार्ज। तो अगर आपने इंजेक्ट प्रिंटर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये जो चार्जिंग ड्रॉप होता है ये डाइवर्ट होता है बाई डिफ्लेक्शन प्लेट से टूवर्ड्स गटर की तरफ। ठीक है, इसका ट्रू ऑप्शन क्या है, बी। ये बुक्स की लाइन्स ही है, एज इट इज एम सी क्यूज एग्जाम में आई हुई है जी। तो आज का हम लास्ट एम सी क्यूज देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के लिए, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया था हमने, और जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इस नेगेटिव चार्ज के करीब लाएंगे तो वो इसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होंगी वो क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 FSC पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ MCQs को सॉल्व किया। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम फर्दर चैप्टर नंबर 12 के MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह।